हिमाचल प्रदेश में हर साल लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में आते हैं और निर्माण कार्यों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश से ये मजदूर एक बार फिर वापिस न लौट जाएं और इन्हें रोजगार के अवसर मिलते रहें, इसके दृष्टिगत प्रदेश में निर्माण कार्य को जारी रखने का सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यही कारण है कि इस मुश्किल की घड़ी में इन मजदूरों को आसानी से रोजगार मिल रहा है। ऐसा ही एक नजारा मंडी में देखने को मिल रहा है, जहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 40 निर्माण कार्य जारी है और कोरोना कर्फ्यू के बावजूद कोविड नियमों का पालन करते हुए 600 मजदूर निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। तो लॉकडाउन तो चल रहा है, जिस प्रकार यहाँ का सरकार भी है जो हमें काम बहुत सहारा दिया है, अभी तो बहुत स्थिति खराब है। फिर यहाँ का सरकार भी बहुत अच्छा है जो हमें काम दे रहा है अभी। फिर यहाँ तो हम लोग का सरकार अच्छे से काम दे रहे हैं, कोई चीज़ से कमी नहीं है। बढ़िया सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, वो राजधानी से आए हैं, रांची राजधानी से। जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, इसलिए सर काम कर रहे हैं। ठेकेदार अच्छे दे रहे हैं, हम लोग को दूरी बना के रखे हैं 2 गज की। हम लोग काम बहुत अच्छा से मिल रहे हैं यहाँ पर ही, और नहीं मिलता था अभी घर हम लोग लौटना पड़ता, बहुत दूर अभी घर है रांची। अभी यहाँ तो अच्छा हिमाचल का अथी है, वो सब ठीक है, अभी काम मिल रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जेके गुप्ता ने बताया कि सरकार के निर्देश पर सभी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है और रोजगार मिलने से मजदूर खुश हैं। हमारे इस मंडल में तकरीबन इस टाइम विभिन्न परियोजनाओं नाबार्ड, PMJSY, स्टेट और अन्य मदों के तहत तकरीबन 40 कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें से ये कार्य जो हैं नई कटिंग के हैं, अपग्रेडेशन के हैं, टायरिंग के हैं, भवनों के निर्माण से संबंधित हैं तथा पुलों के निर्माण से संबंधित हैं। इस टाइम हमारे पास लगभग ठेकेदारों के माध्यम से 600 आदमी काम कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय मजदूर भी हैं तथा बाहर के प्रदेशों से आए हुए प्रवासी मजदूर भी हैं। इसमें तकरीबन 450 के आसपास प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं और बिना किसी रोक टोक से स्थानीय प्रशासन के सहयोग के कारण और सरकार के दिशा निर्देशों के कारण हमारे सारे काम इस टाइम प्रगति पर हैं, कोई भी काम रुका नहीं है। पिछले वर्ष कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से प्रदेश में विकास की गति को काफी धक्का लगा था, लेकिन इस बार स्थिति बेहतर है। इन मजदूरों को न केवल रोजगार मिल रहा है बल्कि सरकार इन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन उपलब्ध करवाने का प्रबंध भी कर रही है। मंडी से DD News के लिए वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।